वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मेरी इतनी सेवा मत किया कर, मैं इस बुढ़ापे में तेरी सेवा का मोल कैसे चुका पाऊंगी। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं आपकी सारी जिंदगी सेवा करता रहूं तब भी मैं आपके एक पल पिलाए हुए दूध का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। सुमित बेटा, तू अपनी माँ की हर बात मानता है। बेटा, अपनी माँ की एक और बात मान ले, ये बुढ़ी माँ मरने से पहले अपनी बहू का चेहरा देखना चाहती है। शादी के लिए मान जाना बेटा। क्या माँ आप भी? मुझे शादी नहीं करनी। मैं नहीं चाहता हमारे प्यार को कोई तीसरा आकर कम करे। माँ मुझे शादी नहीं करनी। सुमित, सुमित, सुमित बेटा, मेरी बात जिंदगी तो इनकी है। जब दिल किया सो गए और जब दिल किया उठ गए। उठने का टाइम हुआ या नहीं? क्या हुआ अनिता, क्यों सुबह सुबह माँ से झगड़ा कर रही हूँ? हाँ हाँ, हमेशा बिन बात के झगड़ा मैं ही करती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे शादी इसलिए की थी कि मैं इस घर की नौकरानी बन के रहूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि हुआ क्या है? मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब काम। और आपकी माँ अभी तक आराम कर रही है। देखो अनिता, जब काम करने का टाइम था मैंने बहुत किया, प्लीज इन छोटी छोटी बातों को लेकर घर में झगड़ा मत करो प्लीज। माँ? हाँ बेटे। मैं ये दवाई लाया हूँ आपके लिए और डॉक्टर ने बताया कि इसको टाइम से लेने के लिए, और अगर आप टाइम से दवाई ना लोगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अगर मैंने प्यार को प्यार की कुर्बानी नहीं दी तो मेरा नाम भी नहीं था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन दोनों के प्यार में कोई ना कोई दीवार तो खड़ी करनी ही पड़ेगी। अनीता, 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 अनीता जी, मेरा ऑफिस बैग कहाँ पे है? आप भी कमाल करते हो,
कल ऑफिस से आके आपने अपना बैग मम्मी के पास तो रखा था, मुझसे क्या पूछ रहे हो? उनसे पूछो। माँ, माँ, मेरा ऑफिस बैग कहाँ पे है? आपने ऑफिस से आके बैग दवाई देते समय बैग अपनी माँ के पास रखा था, याद करो। ये देखो बैग तुम्हारी माँ के रूम से मिला है। कोई बात नहीं, अनीता जी कल मेरे ऑफिस में मीटिंग है, वो मेरे पिंक कलर की शर्ट है ना, प्लीज उसमें प्रेस कर देना। बट मैं तो खाना बना रही थी। बेटे उसे खाना बनाने को कर दे मैं उसे काम, बट मैं सब कर देती हूँ। जाओ अपना काम करो।
क्या हुआ? सुमित इतना क्यों चिल्ला रहा था? मुझसे क्या पूछ लियो, तुम्हारा बेटा है, खुद ही पूछ लो। बेटा क्या हुआ, बहू पे इतना क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा परेशान। ऐसी क्या परेशानी है तो अपने माँ को नहीं बता सकता बेटे? माँ मुझे कल ऑफिस में 20,000 रुपये देने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बेटा इतने सारे पैसे लाओगे कहाँ से? मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ जो अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं माँ, आप ज्यादा टेंशन ना लो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। तो इस घर में नौकर की तरह रहती हूँ। आपने अपनी टेंशन अपनी माँ को बता दी लेकिन मुझे नहीं। आपको पैसे की जरूरत है तो बता दीजिए, मैं अपने पापा को बोल दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। बेटे क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं। लो जी हो गया नया ड्रामा शुरू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। बहू तुम ये क्या कह रही हो? बस माँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं सुननी आपकी। क्या है ये, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या ये पैसे आपको अपनी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था? मैंने अपनी हर खुशी को भुलाकर आपकी खुशी के लिए सोचा, पता है कि क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपको बाबूजी की कमी महसूस हो, मगर अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बस अपनी माँ से क्यों नहीं करवा लो, खोल रही थी ये बेटे मैं तो चाय बस
अब मैं सब कुछ समझ गया कौन गलत है कौन सही है। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं आपको। बस बस अनिता, अब मैंने सोच लिया है, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। तो क्या 5 लाख तक दे सकता है। चल चल उठा इसको। साले कैसे बात कर रहा है? धमकी दे धमकी, तभी तुझको पैसा मिलने वाला है। हेलो, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो 50,000 रुपए लेके आ जाना। कहाँ? ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो माँ को मुर्दा हासिल करोगे। 5 मिनट के बाद फोन करता हूँ। माँ जिंदा चाहिए जो मिलता है। क्या बात है,
माँ को किसी ने किडनैप कर लिया। तुम्हारी माँ को कौन किडनैप करेगा? ये भी तुम्हारी माँ की कोई नई चाल होगी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, ये सब टेंशन छोड़ो, जाओ। ये नहीं टेंशन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, करूं तो क्या करूं? भाई करना क्या है, मार देते इसको। अबे साले पागल हो गए क्या? इनको किडनैप करने की मजबूरी थी यार, मैंने अपनी मजबूरी के लिए इनको किडनैप किया। अरे हम कोई प्रोफेशनल किडनैपर थोड़े ना यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं खोलने जा रहा हूँ। अबे रुक यार, ये बात चलेगी तो हम सबको फंसा देगी। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इनको खोलने जा रहा हूं। दरअसल बात ऐसी थी आंटी, मुझे अपने कॉलेज में फीस जमा करवानी थी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राज जाओ। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब तक तुम कॉलेज जमा नहीं कराओगे तुम कॉलेज में नहीं आओगे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो मेरी कुछ प्रॉब्लम। वो क्या? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कल तक कॉलेज फीस जमा नहीं करवाई तो तुम कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे, समझे तुम? जी सर। विक्की यार, जब लोगों के पास कॉलेज में फीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते तो कॉलेज में करने क्या आ जाते हैं यार? अरे छोटे यार, जाके अपना लेक्चर लगा। राज तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों नहीं अपनी फीस जमा करवा सकते? तुम्हें पता ना मैं तुम्हारे बिना कॉलेज में खुश नहीं रह सकती। यार जब लोगों के पास कॉलेज में फीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते तो कॉलेज में करने क्या आ जाते हैं यार? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कॉलेज में खुश नहीं रह सकती। तुम कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे, तुम क्यों नहीं अपनी फीस जमा? समझे तुम? तुम कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। मेरा कहाँ जाओगे? यार मैं कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया यार, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मेरे सपने मेरा ख्वाब सब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैंने कल कॉलेज में फीस नहीं जमा करवाई तो मैं कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा, मेरे दोस्त क्या करूँ यार? चलो रात मेरे पास एक आइडिया।
की वजह से मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हूँ। और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा मज़ा, सब कुछ नेट हो गया मेरे। अब मैं कॉलेज से निकाल दिया जाऊँ, ये जाऊँगा मैं कॉलेज से। ये मेरे लिए आज पता नहीं क्योंकि ये मेरे स्वर्ग का सपना थी कि आज मैं इसको ये तुम्हारे किसी काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये लोग अनीता मेरा फोन देना। सुनो आप कहीं जा रहे थे? हाँ क्यों? बोला मैंने मदद मांगी थी कि अगर हम जिंदगी में खुशी खुशी जीने लग जाएंगे तो दरगाह में चादर चढ़ा के आएंगे, क्या आप चलेंगे? ठीक है तुम तैयार हो जाओ और मेरा वो ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा निकाल देना, मैं वो पहन के जाऊँगा। ठीक है खिदमत कर ले पगले तू भी नवाजा जाएगा, तू भी नवाजा जाएगा। माँ की खिदमत कर ले पगले तू भी नवाजा जाएगा, तू भी नवाजा जाएगा। माँ के दिल को तू जो दुखाया, माँ के दिल को तू जो दुखाया, देख देख पछताएगा। माँ की खिदमत कर ले पगले तू भी नवाजा जाएगा, तू भी नवाजा जाएगा। माँ के दिल को तू जो दुखाया, माँ के दिल को तू जो दुखाया, देख देख पछताएगा। माँ की खिदमत कर ले पगले। अपने माँ बाप की खिदमत से सुख पाएगा, माँ की ममता की हिफाजत से सुख पाएगा। काम हर एक तेरा सब्रो रजा से होगा, पार बेड़ा तो तेरा माँ की दुआ से होगा। सर पे माँ बाप का साया तेरे दिन रात रहे, सर पे साया तेरे माँ बाप का दिन रात रहे।
बस माँ की दुआ साथ रहे, तेरे हर मोड़ पे बस माँ की दुआ साथ रहे, तेरे हर मोड़ पे बस माँ की दुआ साथ रहे, तेरे हर मोड़ पे बस माँ की दुआ साथ रहे। माँ है एक अनमोल सी दौलत, फिर तू कहाँ से लाएगा, फिर तू कहाँ से लाएगा। माँ के दिल को तू जो दुखाया, माँ के दिल को तू जो दुखाया, देख देख पछताएगा। माँ की खिदमत कर ले पगले, तेरी तकदीर में खिदमत के सिवा कुछ भी नहीं, माँ की खिदमत भी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। देख संसार बसाना भी बड़ी मुश्किल है, माँ का एहसान चुकाना भी बड़ी मुश्किल है। अपनी बीवी को भी बच्चों को भी उल्फत में लगा, सारे घर बार को माँ बाप की खिदमत में लगा। दूर माँ बाप का जो रंजो अलम करता है, ऐसी औलाद पे अल्लाह भी करम करता है। माँ का दिल तोड़ा तो दुनिया भी सताएगी तुझे, तेरी औलाद भी खुद छोड़ के जाएगी तुझे, तेरी औलाद भी खुद छोड़ के जाएगी तुझे। वो वही टी है ना जिसको हमने किडनैप किया था, लग तो वही रहा। सिवा कुछ भी नहीं, झूठी ताकत झूठे भरम पे कब तक तू इतराएगा, कब तक तू इतराएगा। आंटी जी, माँ के दिल को तू जो दुखाया, माँ के दिल आप को तू जो दुखाया, देख देख पछताएगा। आप अभी तक घर पे नहीं गए, खिदमत कर ले पगले, कौन सा आवाजा जाएगा और किसका आवाजा जाएगा। घर तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन तुमने मुझे किडनैप किया, मगर आपने घर क्यों छोड़ा। माँ की खिदमत कर ले पगले, तू भी नवाजा जाएगा, माँ की खिदमत कर ले पगले। पर आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहू मेरे बेटे की नजरों से गिर जाए, इसलिए मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैं आज तक अनाथ था, लेकिन आज आपका अपने बेटे के प्रति प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ भी मुझे इतना ही प्यार करती होगी। क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? हाँ बेटे, बुला सकते हो। माँ, आज से आप मेरे घर में रहोगी, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो।
कौन हो तुम और मेरी माँ को लेकर कहाँ जा रहे हो? कौन माँ और किसकी माँ? अगर ये तुम्हारी माँ होती ना तो किसी की मोहताज ना होती। दर दर की ठोकरी खाने पे मजबूर कर रखा है तुम लोगों ने इनको। तुम तो इनके बेटा कहलाने के भी लायक नहीं हो। बकवास मत कर, चिल्लाओ मत। नहीं माजी, मुझे सच बोल दो कि कौन सही है और कौन गलत। को घर से निकलने के लिए मजबूर किया ना, वो सारी फसाद की जड़ तेरी वाइफ है। तुमने तो माँ बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? क्यों किया? क्यों किया तुमने ये सब? छोड़ इसको, वाइफ है तेरी ये। छोड़ दो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, इसे मार दूंगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है तू? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो भाई मुझे, छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहता भाई, मैं मर जाना चाहता हूँ भाई। ये मेरी बीवी नहीं हो सकती भाई, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती भाई। इस लड़की की वजह से मैंने अपने बेबी जैसी माँ को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी बीवी नहीं हो सकती भाई, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैं अपनी बसरों में गिर गया हूँ भाई, मैं अपनी बसरों में गिर गया हूँ, मेरी बीवी नहीं हो सकती भाई। नहीं सुनो, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छे से समझता हूँ मेरे दोस्त, पर ये वक्त खुद को सजा देने का नहीं है मेरे दोस्त। ये वक्त है माँ से माफ़ी मांगने का। हाँ मेरे दोस्त, माँ से माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। जा मेरे दोस्त। हाँ सुमित, राज बिल्कुल सही कह रहा है, जाओ माँ से जाके माफ़ी मांगो। जा मेरे दोस्त। माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। सुमित बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे एक बेटा और मिल गया। माँ जी मुझे माफ कर दो।